हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चाइनीज़। चाइनीज़ सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, आया ना? तो आज हम बनाएंगे एकदम देसी स्टाइल में चाउमीन। तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स लिए, ग्रीन चिली, अनियन, कैप्सिकम। कैप्सिकम को हमने फ्राई कर लिया है। इसी तरह बाकी सारी वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए हमने टमाटो भी लिया है, तो 2-3 टमाटो कट करेंगे। और पनीर भी हमने लिया है 100 ग्राम, तो इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम नूडल्स को उबालने के लिए 2 लीटर पानी लेंगे और उसको बॉयल्ड होने के लिए बिठा देंगे। तब तक इधर हम अपने सारे वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पनीर, कैप्सिकम, अनियन, ग्रीन चिली सबको बिल्कुल अच्छे तरह से फ्राई कर लिया है। इसी तरह आप भी हल्का फ्राई कर ले। पे कैबेज ऐड करना भूल गई, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट ड्राई नूडल्स लिया है। आप चाहो तो एग नूडल्स या हाफ बॉइल्ड नूडल ले सकते हो। इधर पानी हमारा बॉइल्ड हो गया है, अब हम इसमें नूडल्स को डालेंगे और 5 से 10 मिनट तक इसको उबाल लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि हमारा नूडल चिपके ना। 5 से 10 मिनट हो गया है, देखिए हमारा नूडल बिल्कुल अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसको एक छलनी में छान लेंगे। बिल्कुल अच्छे से छाने क्योंकि पानी बहुत गर्म है। अब इसको ठंडे पानी से बिल्कुल धो लेंगे ताकि ये नूडल्स चिपके ना। आप चाहो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा सकते हो ताकि बिल्कुल रहे। अब हम कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। आप जो ऑयल यूज़ करते हो, यहाँ पे मैं रिफाइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें हमने टमाटो को डाला है क्योंकि बाकी सब्जियाँ हमने पहले ही फ्राई कर ली हैं। नूडल बनाने से पहले ही सारे वेजिटेबल को चॉप कर ले क्योंकि वेजिटेबल चॉप करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, नूडल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप पहले वेजिटेबल को चॉप कर ले जैसा कि मैंने किया था। अब इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सिझा लेना है। उसके बाद इसमें हम डार्क सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस तीनों का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने सारे वेजिटेबल फ्राई कर रखे थे, उसको अब हम ऐड करेंगे। हमने अनियन ऐड कर दिया, अब हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे, कैप्सिकम, सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। और नमक हमने डाल दिया था बॉइल्ड करते टाइम, मैं दिखाना भूल गई। अब हम नूडल्स को डालेंगे थोड़ा थोड़ा कर और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम सोया सॉस, विनेगर, और ग्रीन चिली सॉस 2-2 चम्मच ऐड किया है। अब इसको बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा भी कर मिक्स कर सकते हो। ये देखिए कितना यम लग रहा है, ये अभी से ही सोचो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो आप इसको ज़रूर घर पर ट्राई करो एक बारी बनाकर एकदम देसी। थोड़ा सा हमने यहाँ पे रेड चिल्ली यूज़ किया है। ये देखिए हमारी चाउमीन बिल्कुल रेडी हो गई है देसी स्टाइल में बनकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।